ये हमारे भाई साहब है, ये काफल तोड़ रहे और हमारी पार्टी हो रही है। उत्तराखंड के मशहूर फल। खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे हैं। अभी कुछ न कुछ यहाँ पे जानवर भी दिखेंगे, जंगली जानवर। तो दो तीन हो रहे हैं लेकिन पतले पतले हैं ये जो है हमें। हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये और हम यहाँ पे जंगलों में घूमते हुए, और यहाँ पे और ये जंगली नाशपाती का ये देखो पेड़, ये जंगली नाशपाती है, जंगल वाली। ये भी जो है बहुत बहुत सारे लोग इसको भालू ज्यादा और भालू पसंद करता है, भालू और बंदर। हाँ बंदर भी ये देख सकते हो, ये जंगली नाशपाती है, पेड़ में चल सकते हैं उनके लिए, वो मतलब उसको खा लेते हैं। परसों ही नहीं देखा था हमने बाघ। हाँ बाघ परसों को देखा था, अभी हो सकता है दर्शन हो जाए, क्या पता आप लोगों को दिख जाए, कैमरे में कैद हो जाए। चलने में काफी दिक्कत हो रही है। ये पिरोल है, पिरोल इसमें काफी फिसलन होती है चलने में। इसका भी प्रयोग करते हम, बहुत चीज़ में किया जाता है इसको भी यूज़ किया, मतलब यहाँ पे हर चीज़ को यूज़ किया जाता है किसी न किसी चीज़ के अंदर। अब यहाँ से हम डिस्कवरी वाले यहाँ नहीं आते। हाँ वो जो है चल नहीं सकते हैं, वो यहाँ नहीं चल पाएंगे। और यहाँ पे जो आज
देखो इनकी सिंगिंग में क्या जवाब है। ये गलत जगह हो गया, इंडियन आइडल इनका इंतजार कर रहा है। इंडियन आइडल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब हम ऊपर की ओर जाते हुए काफी तकलीफ भरे रास्ते, काफी गर्मी लग रही है अब तो। देख सकते हैं इतना आलीशान, मतलब इतना बड़ा पेड़ बांझ का ये देखो, मतलब शायद ही ऐसे पेड़ लोगों ने देखे होंगे। इतने काफी पुराने विचित्र पेड़, मतलब ये देखो हुए भी हैं इसमें तीमल। देखो ये पके नहीं है, कच्चे हैं। ये जब पक जाते हैं इसको सुखा के मार्केट में इसको बेचा जाता है और ये 800 रुपए किलो बिकता है। और हमारे पहाड़ के लोगों को ही शायद इसके बारे में नहीं पता है। किनवाड़ू है देखो, इसमें फल देख रहे हो आप, खट्टा होता है ये। ये जब पक जाता था मतलब इसको भी हम लोग खाते थे। आलू यहाँ पे हो रखे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो कि खाते थे हम लोग बचपन में। मज़ा आता था, हमारा बचपन यहीं गुजरा है, इन्हीं को खाते हुए, यही चीज़ें करते हुए। बचपन की याद है ताज़ा हो रही है इस लॉकडाउन में।
काफी मीठे हो रखे है बहुत यार। हम आपको जो है इसका हम बहुत ये ड्राई फ्रूट की तरह ही है, मतलब नेचुरल। ये देखो ये इस तरीके से होते हैं, फिर ये खुलने के बाद पूरी तरह पक जाते हैं अंदर से, और ये इनका रूप ऐसा हो जाता है। फिर ये दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और आगे बहुत ही शानदार वीडियो आएंगी जो कि उत्तराखंड के कल्चर को दर्शाएंगी। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।